नमस्कार। हमारे सामने हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली है, जिसमें हम इनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे और फिर उनके बाद इनसे संबंधित जो इन्होंने सवाल भेजे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा शुरू कर रहे हैं हम स्त्री की कुंडली से, यानी फीमेल, जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1990 है। सुबह के 7:30 बजे इनका जन्म हुआ है। कुंडली पर थोड़ा मोटा तौर पर नज़र मारते हुए कि क्या लगन है, क्या राशि है, क्या वैवाहिक स्थिति कहती है, और उसके बाद सवाल। शुरुआत सिंह लगन से होती है और लगन में बुध विराजमान है। व्यक्ति के बुद्धिमान तो है ही और कैचिंग पावर अच्छी है, लेकिन व्यक्ति के मन में इच्छाएं हैं कि वो राजसिक जीवन व्यतीत करे। यानी उसके अंदर एक कमांड आ जाती है कि मेरे ऊपर एक तरीके का, आप इसको मानसिक या नॉर्मल तौर पे प्रेशर है, या मेरी अंतरात्मा ऐसा कहती है कि मुझे जीवन में एक तरीके से राजसिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। दिमाग तो व्यक्ति में होता ही है और साथ में साथ वो चाहता भी है कि मेरा कुछ होल्ड कहीं ना कहीं हो। किसी भी तौर पे घर परिवार में मुझे संबंध तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे मिले। लगन का मालिक 12वें घर में सूर्य राहु केतु एक्सेस में है। ये है सम्मान हानि का योग, कि आपका एक सवाल कि मैं कितना भी किसी के लिए कर लूँ लेकिन मुझे उसका एक तरीके से कहते हैं कि बेनिफिट नहीं मिलता, कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता कि मैं किसी के लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि सूर्य केतु के साथ और चंद्रमा राहु के साथ हो तो ये आत्मिक और मानसिक दोनों तौरों पे पीड़ा देने वाला एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। शनि जो कि वक्री होके पंचम भाव में बैठे हैं और 7वें घर को दृष्टि देते हैं, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जितना सामाजिक तौर पर अच्छा दिखाई देता है उतना होता ही नहीं है। साथ ही साथ चंद्रमा जब 0 डिग्री के राहु के साथ हों और 7:30 का पीक चल रहा हो तो ये आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान करेगा। राहु की महादशा भी आपको चल रही है। राहु कुंडली में 6ठे घर के अंदर बैठे हुए हैं। शनि की राशि में शनि की 7:30 झेल रहे हैं, यानी आप पिछले 2.5-3 वर्ष से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं मानसिक तौर पर, और एक तरीके से आत्मिक तौर पर आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इस समय एक ऐसे फेस से गुजर रही हूँ जो कि मेरे लिए एक असहनीय फेस है। मैं परेशान हूँ, मुझे मानसिक चिंताएं भी हैं, आत्मिक चिंताएं भी हैं। क्योंकि आपका सूर्य आत्मा का कारक या आत्मिक चिंता देता है, तो चंद्रमा मन का कारक ये मानसिक चिंता देता है, और शनि जैसा ग्रह जब इसके ऊपर ट्रांजिट करे तो 7:30 भी आपको प्रॉब्लम दे रही है। वही नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए जानी गई, और नवांश कुंडली में आप देखिएगा सप्तम भाव में शनि और सूर्य हैं। सप्तम भाव में 2 अशुभ ग्रह, एक शनि और एक सूर्य, जो कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। विवाह का कारक शुक्र 12वें घर में राहु केतु अक्ष पे पड़ा तो नवांश में भी काफ़ी नेगेटिविटी आई है। लेकिन यहाँ लगन सप्तम भाव पर 1 शुभ ग्रह बुध का प्रभाव, तो यहाँ सप्तम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, जो इस चीज़ को दिखाती है कि अगर वैवाहिक जीवन में खूब कलह भी हो जाए तो भी आसान नहीं होगा इनके जीवन में सेपरेशन होना, डाइवोर्स होना। ऐसी कंडीशन में कहते हैं जब बुध और बृहस्पति सहयोग करें तो कभी कभी बुद्धि सहयोग करती है कि नहीं कोई बात नहीं है अवॉइड करो, तो कहीं बृहस्पति यानी घर के बड़े कहते हैं चलो कोई बात नहीं है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो है। और राहु की दशा भी आपको चल रही है, राहु यहाँ 6ठे घर में, नवांश में 12वें घर में, तो प्रॉब्लम तो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे गई है। अब बात करते हैं हस्बैंड का चार्ट। कन्या लगन लग्नेश अष्टम भाव में सूर्य के साथ दशमेश भी हैं। इसको कभी कभी इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि मेरा जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए मैंने अपनी बुद्धि के कारण अपना नुकसान कर लिया, यानी मैंने किसी की सुनी नहीं, मैं अपनी ही चलाता हूँ, मैं जिद्दी भी हूँ स्वभाव से, और मैं ये समझता हूँ कि शायद तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है नहीं। तो वो कॉम्बिनेशंस यहाँ मिलता है। जब मंगल की राशि में अष्टम में बुध वक्री होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मान सम्मान को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी गलतियों से ख़राब कर लेता है। शुक्र इस कुंडली में उच्च के हैं, बृहस्पति स्वग्रही हैं केंद्र में, ये आयु के लिए अच्छा है, मान सम्मान बनाए रखेगा। किस तौर पे? परिवार के तौर पे, कि ये उस परिवार से संबंधित व्यक्ति विशेष है, यानी जीवन में सुख सुविधा मिलती रहेंगी, खाने को मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, रहने के लिए घर मिलेगा।
लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन वो हैं जो आपको अपने फादर से मिले हुए हैं। जब आप खुद के बल पे बात आती है तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। मंगल और केतु थर्ड हाउस में, ये एक बहुत साहसी कॉम्बिनेशन है। मंगल जैसा ग्रह केतु के साथ हो तो ये व्यक्ति को साहसी तो बनाता है लेकिन जिद्दी भी बनाता है। साहस होना एक अच्छी बात है, लेकिन साहस का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से करना है अगर ये व्यक्ति को पता चले तो जीवन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब व्यक्ति को यही ना पता हो कि साहस का इस्तेमाल कहाँ करना है, जिसके जो चाहा मन में बोल दिया, क्रोध कर दिया, अपनी चला ली, ये एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव है। तो कुल मिला के यहाँ भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिला के चौथे घर में बृहस्पति और सप्तम में उच्च का शुक्र फिर से दर्शा रहा है कि आपको मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आसानी से टूटेगा नहीं। नवांश कुंडली में राहु केतु अक्ष पे लगन है और मंगल इस कुंडली के अंदर नीच का होके सूर्य के साथ, वहीं लगन का मालिक शुक्र उच्च का होके शनि के साथ। जहां एक तरफ नेगेटिविटी शो हुई वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिविटी शो हुई, यानी दोनों ही कुंडलियों में एक बात कॉमन है कि प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ तो काफ़ी है लगन में और नवांश दोनों में, लेकिन मैरिड लाइफ का ब्रेक होना नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से कहीं तक भी। दशा पे बात करूँ तो बुध की माँ दशा चल रही है इनको। अब जिस बुध के बारे में मैं बात कर रहा था, ये लग्नेश दशमेश अष्टम में मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अपनी गलतियों से नुकसान कर लेता है, प्रोफेशनल लाइफ का भी और अपनी हेल्थ का भी और अपनी सामाजिकता का भी। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है। राहु और बुध दोनों यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और मई 2018 से ये दशा शुरू हो गई, 2 साल से ये दशा चल रही है और प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को बनाए हुए हैं। अब लेता हूँ आपके सवाल। पहला सवाल, मैरिज लाइफ में तालमेल कैसा रहेगा और इनके साथ फ्यूचर है या नहीं? इसका क्लियर कट जवाब दे चुका हूँ, मैरिड लाइफ दोनों की प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप अगर कोई डाइवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शायद ये आपकी गलती होगी, क्योंकि जब हॉरोस्कोप में नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं तो वो कहीं किसी के भी साथ हों प्रॉब्लम्स तो आती है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखती है। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई आसानी से यहाँ डाइवोर्स होने वाला है। ये मैरिड लाइफ वाइज एक ख़राब चार्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है, दोनों ही चार्ट्स में प्रॉब्लम है। ये चीज़ें जब देखी जाती हैं जब शादी से पहले कुंडली का मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम उपाय कहते हैं और लोग बाग शादी के बाद उपाय ढूंढते हैं। यहाँ गुण मिलने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कुंडली से कुंडली मिला रहा हूँ, मैंने अभी तक गुण की बात ही नहीं करी है। नशे और झूठ बोलने की आदत छोड़ेंगे या नहीं, इसकी वजह से इनको कोई कमज़ोर हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं होगा? देखिए, मैंने कहा था कि अपनी स्वयं की गलती से अपना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान करने पर इस समय तुले हुए हैं और ये जो आदत है मुझे नहीं लगता कभी इतनी आसानी से छूटने वाली है, कम से कम 2021 तक। उसके बाद हाँ, हेल्थ इशूज़ मुझे दिखते हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना हेल्थ इशूज़ तो देता है लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देता। ससुराल में सबका करती हूँ फिर भी मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्या कभी ससुराल से लाभ मिलेगा? मैंने आपको शुरुआत में कॉम्बिनेशंस बताया था, ये जो कॉम्बिनेशंस है ये आपको आत्मिक और मानसिक शांति नहीं लेने देगा। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको स्वयं अपने आप मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आप बाई बर्थ लेकर पैदा हुए हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं भी ससुराल, आपकी यही नहीं कहीं अन्य ससुराल भी होती तो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स अवश्य आती, क्योंकि जब 12वें घर में सूर्य केतु के साथ हो, ग्रहण दोष में लिप्त हो और आत्मिक तौर पे परेशानी, मानसिक तौर पे परेशानी दोनों यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं, इसलिए चिंता का विषय तो है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम कुछ उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, आप उसी से हल कर सकते हैं। बाकी आप बस अपना काम करते रहो, किसी पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वही आपके लिए भलाई है। अगर बार बार आप ये सोचो कि मैंने इतना अच्छा काम करा मेरी किसी ने बढ़ाई नहीं करी, तो शायद आप इसमें हर बार परेशान ही होंगे। मेरा एक 5 साल का बेटा है, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी और मुझे उसका फ्यूचर में कितना सपोर्ट है? देखिए, बच्चे की हेल्थ बच्चे की कुंडली से पता लगती है, बाकी सप्तांश कुंडली के लगन में ही मंगल है और बृहस्पति नीच का है। इसका मतलब है ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके बच्चे की हेल्थ और सपोर्ट दोनों में कमजोरी दिखा रही है, यानी
कोई बहुत अच्छा सपोर्ट भी नहीं मैं कह सकता, और आपकी संतान की कोई बहुत अच्छी हेल्थ भी नहीं कह सकता। बाकी निर्भर करता है आपके बच्चे की कुंडली कैसी है, वो जीवन में क्या करेगा, कैसा रहेगा, वो सब कुछ उसी की कुंडली से पता लगेगा। मैं अभी एक लाइब्रेरी चलाती हूँ, यानी आप वर्किंग हैं, क्या एक लॉन्ग टर्म तक रहेगी, मेरे प्रोफेशन में चेंज आएगा, अगर चेंज होता है तो क्या होगा, जॉब या कोई दूसरा बिजनेस, और किस चीज़ से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं आपके टेंथ हाउस की। दशम भाव कर्म स्थान, दशम भाव का मालिक शुक्र है, वो बुध की राशि में है। बुध अध्ययन अध्यापन प्रकाशन बुक्स कॉपी किताब लाइब्रेरी इनके लिए जाना जाता है। वही यहाँ पे शुक्र द्वादश भाव में फिर से पहुँच गया, इसका मतलब है प्रोफेशनल लाइफ तो है लेकिन एक स्ट्रगल के साथ प्रोफेशनल लाइफ दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ इसको मंगल की दृष्टि भी मिल रही है। अभी की दशा चल रही है राहु में बुध, फिर आएगी राहु में केतु, जिसको मैं कह सकता हूँ मार्च 2022 में आपकी लाइफ में करियर को लेकर उठा पटक का समय होगा। अगर आप उसमें कोई बिजनेस ही करें, नौकरी तो नहीं दिखाई देती है, बिजनेस ही करें, जैसे आप अभी लाइब्रेरी का स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं तो बिजनेस करें, और बुटीक से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई भी वर्क करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब शुक्र के कारकत्व हैं। उसके अलावा आप चाहें तो जैसे अभी आपने लाइब्रेरी कर रखा है तो आप स्टेशनरी का कोई काम भी कर सकते हैं। मेरी दो सिस्टर इन लॉज हैं, एक देवर है, इन लॉज का उनको बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड की उनके फादर के साथ विचार नहीं मिलते, तो हमें मेरे साथ ससुर का कैसा सपोर्ट रहेगा, यानी पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं। हस्बैंड का चार्ट उसके लिए देखना पड़ेगा, हस्बैंड के चार्ट में बृहस्पति चतुर्थेश होके चौथे घर में, शनि उच्च के होके दूसरे घर में, और शुक्र की राशि में ही है। इसका मतलब तो सीधा है, चाहे सपोर्ट हो या ना हो लेकिन पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो सपोर्ट इतना मजबूत नहीं दिख रहा है लेकिन अंततः पैतृक संपत्ति व्यक्ति को पिता के सहयोग से या माता के सहयोग से जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा तो पैतृक संपत्ति अवश्य मिल जाएगी, रहने के लिए मकान आपके पास अपना अवश्य हो जाएगा। तो ये था दोनों की कुंडली को मैंने यहाँ जज करा, ज़्यादा मज़ेदारी मुझे मैरिड लाइफ वाइज नहीं दिखाई दी, लेकिन आपके हस्बैंड अगर थोड़ी सी भी बात माने और इन सब चीज़ों को छोड़ के हटें तो बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ इनकी हो सकती है। बुद्धिमान है, कैचिंग पावर अच्छी है, लोगों में उठ बैठ भी इनकी अच्छी है, और बहुत अच्छा जीवन में ये कर भी सकते हैं। उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ जो आपकी मैरिड लाइफ को भी सुधारेंगे और इनकी हेल्थ, इनकी ये बुरी आदतों के लिए भी ठीक रहेंगे और आपके लिए भी बहुत हद तक अच्छे रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा, क्योंकि अभी आपको साढ़े साती भी बहुत लंबी है, राहु की दशा भी बहुत लंबी है, रोजाना बजरंग बाण का पाठ करोगे आप, एक बार सुबह को आप करोगे बजरंग बाण का पाठ, उसके बाद करोगे आप देवी कवच का पाठ। तो ये दो पूजा आपको लगातार करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है, देवी कवच का पाठ करना है। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया आपको पीपल के नीचे शाम के समय जलाना है, और अभी लंबे समय तक 4-5 साल तक जलाना है, और कोशिश हो सके तो शनिवार की शाम को घर के अंदर बैठ के चमेली के तेल का दीपक जला के अगर हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर सकें तो आपकी सभी दुविधाओं को दूर करने में ये सक्षम रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रही बात कोई स्टोन की, तो आपके लिए एक फायर ओपल स्टोन पहन सकते हैं, ये शुक्र का रतन होता है, इसको पहनने से आपको काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, तो आप फायर ओपल यहाँ पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो दोनों आपको यहाँ करने होंगे, आप देवी कवच भी करेंगे और आप हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ आप करेंगे। तो ये थे आपके सवालों के जवाब, और दोनों की हॉरोस्कोप का एनालिसिस के आधार पर मैंने इनके जवाब दिए हैं। नमस्कार।